ये दिव्या नाम की लड़की थी, माड़ा जनपद की रहने वाली, और यहाँ पे बी एस सी थर्ड ईयर क्लास में थी, वो तैयारी करते थे। कल उसने एक फ्राइड नोट लिखा जिसमें बताया किसने कि मेरी कोई गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, मेरे दोस्तों की गलती नहीं है, बस मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही थी, इसी वजह सुसाइड कर रही। अच्छा, क्या सुसाइड करने का कोई और रीज़न भी सामने आ रहा है हॉस्टल में? अभी तो कोई ऐसा रीज़न प्रकाश नहीं आया, तो हम रिसर्च की दवाएं तो उसको निकाला गया है, और खुद हॉस्टल के लोगों ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस के साथ उसको बाहर निकाला गया, ऐसा कोई रीज़न नहीं आ रहा है। बाकी छानबीन की जाएगी, लड़की को मोबाइल भी मिली है और भी चीज़ मिले हैं, उसकी तरफा कर पड़ताल करेंगे, क्या कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है। भैया, सूचना ये आ रही है कि लड़की की सांसें यहाँ पे चल रही थी जब इसकी बहन ने यहाँ पे उसको फंदे से उतारा था, और ट्रामा में जाके उसकी मौत हुई है, तो लापरवाही इसमें किसकी सामने आ रही है? क्या मकान मालिक की भी इसमें कुछ लापरवाही सामने आ रही है? किसी की लापरवाही नहीं है, जैसे उन्होंने सूचना मिली, क्योंकि दरवाजा तोड़ने में समय लगा होगा, और उसके बाद उसकी बहन थी, यही दोनों बहनें साथ साथ रहती थी।